साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई संडे कमेंट्स से रिलेटेड। हालांकि आज थोड़ा सा लेट हो गया सुबह, ये कमेंट का आंसर मुझे देना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जितने भी आपने कमेंट किए थे लगभग 5-7 दिन के दौरान, तो मैं पूरे कमेंट्स के आंसर वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा ताकि एक ही क्वेश्चन के आंसर लगभग हज़ारों लोगों के पास पहुंच जाए। तो गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड जितनी भी हैं, दुबई, कतर, मस्कत, कुवैत, बहरीन, इराक, इससे रिलेटेड हम पूरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, जो आप जानना चाहते हैं वो वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको से रिलेटेड सही जानकारी रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सुकमान प्रीत सिंह जी पूछते हैं, सर प्लीज बताइए जिन्ना के लिए ई वीजा लॉकडाउन ड्यूरिंग एक्सपायर हो गया है तो क्या जा सकते हैं या नहीं? भाई ई वीजा था, एक्सपायर हो गया है, तो कोई भी कंट्री ने अभी तक ऐसा कोई अलाउंस नहीं किया है कि हमारा वीजा आपने लिया था मार्च में या मार्च से पहले और वो एक्सपायर हो गया, उसी वीजा में हम आपको एंट्री दे देंगे। कोई भी कंट्री ने अलाउंस नहीं किया है तो आपको वीज़ा दूसरा लेना पड़ेगा। जी हाँ, मुबारक बोलते हैं सर भाई। उस खुश अपने देश के बारे में बताओ, गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा, हिंदू मुस्लिम ही रहेगा। भाई देखिए मैं बता दूं, अपने देश की बात यह कि अपना चैनल इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है, तो इंडियन न्यूज़ मैं नहीं दे सकता, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। अपना काम तो बाहर की कंट्रीज़ का न्यूज़ देना है ना, गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड, यूरोप कंट्री से रिलेटेड। तो यहाँ तो कोई इशू नहीं बनता कि इंडिया में क्या हो रहा है, कहाँ जॉब मिलेगा, इसके लिए तो और बहुत सारे चैनल है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा या फिर हम दूसरा चैनल स्टार्ट करें कि हम आपको इंडिया की न्यूज़ प्रोवाइड करवाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा चैनल इंटरनेशनल न्यूज़ है तो वहीं आप रहने दें तो अच्छा रहेगा। मोहम्मद आरिफ बोलते हैं, सर मेरा फिट मेडिकल रिपोर्ट ओमान के लिए लॉकडाउन में एक्सपायर हो गया है तो फिर से मेडिकल को बोल रहा है गम का खूब से खुल गया, कब से खुल गया है? जी भाई बिल्कुल, अगर आपका मेडिकल आपने करवाया था मार्च में, मार्च के बाद में लॉकडाउन लग गया तो मेडिकल एक्सपायर तो 3 महीने की आती है, 3 महीने में एक्सपायर हो गया तो स्वाभाविक सी बात है मेडिकल आपको दूसरा ही करवाना पड़ेगा। दोबारा आप हो सकता है अनफिट भी हो जाओ या फिट हो जाओ, वो एक अलग इश्यू होता है, बाकी दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा। गमका में आप राजस्थान से हो तो जयपुर करवाइए, बाकी गमका सब जगह चालू है, आप कहीं से भी गमका करवा सकते हैं, तो दोबारा पैसा लगेगा आपका। तो इस एलपी बोलते हैं, सर मेरा नाम तवर आलम है, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मेरा एक सवाल और है, प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अभी दुबई में हूँ, मेरा वीज़ा 19 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, मुझे इस कंपनी में दो वीज़ा नहीं लगेगा, यानी दूसरा वीज़ा नहीं लगेगा है, दूसरा कंपनी से ऑफ़र लेटर मिल गया है, मेरा कंपनी बोलता है यहाँ से नहीं जाने देंगे, दूसरी कंपनी में इंडिया जाकर आओ, मुझको एयरपोर्ट ले जाकर छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं अभी इंडिया नहीं आना चाहता, तो प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं? आपके पास मेरा 5,000 दराम सैलरी भी पेंडिंग है, प्लीज़ जवाब दीजिए। तो भाई आपका सवाल बहुत ही गंभीर है। पहली बात तो ये कि आपकी कंपनी में वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 19 सितंबर को, वो वीज़ा रिन्यू नहीं करवा रहे हैं, तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो वो नहीं चाहते कि, अगर वो चाहते सिस्टम तो ये है कि कोई बात नहीं, आप वो NOC ले लीजिए उस कंपनी से और आपके पास 1 महीने का 40 दिन का टाइम होता है, उस दौरान आप दूसरी कंपनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसका वीज़ा लग जाएगा, उसका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आपकी सैलरी पेंडिंग पड़ी है तो पेंडिंग पे सैलरी आप उनसे लीजिए, अगर वो तनख्वाह नहीं दे रहे तो अभी आप मोहर्रे में अमीरात में शिकायत दर्ज करवा दीजिए, क्योंकि उधर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपका आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, तो इससे बढ़िया है अगर वो ही आपके साथ हेकड़ी कर रहे हैं तो आप हेकड़ी क्यों नहीं कर रहे हो? आप उनका मोहरे में शिकायत, पहले तो उनको मेल करिए, फोन करिए, वॉइस रिकॉर्ड करिए कि मेरी सैलरी पेंडिंग दीजिए, 5 महीने की सैलरी अगर 7-8 हज़ार दराम भी है तो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी आपकी पेंडिंग पड़ी है तो आप उनसे सैलरी की मांग कर सकते हैं, नहीं तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में केस दायर कीजिए, ठीक है ना, तो वो अपने आप सीधे हो जाएंगे और उनको सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको फिर इंडिया आना ही पड़ेगा, और वो फिर आपको वहाँ पे NOC नहीं देंगे भाई, क्योंकि उनका कोटा एक्सपायर 2 साल का वीज़ा था, वो ख़त्म हो जाएगा 19 सितंबर को, तो वो तो इंडिया भेजेंगे ना आपको, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आप, देख लीजिए किस तरह से आपकी सेटिंग बैठ जाती है। अरबाज खान बोलते हैं, सर बहरीन के लिए एयर बबल्स स्टार्ट चालू हो रहा है पर मेरा वर्क वीज़ा 16 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है तो क्या एक्सपायर होने के बाद मैं बहरीन जा सकता हूँ? देखिए 16 सितंबर को एक तो आपकी छुट्टी एक्सपायर हो रही है, जिसको अकामा बोल सकते हैं आपकी भाषा में,
या आप छुट्टी आए थे वो टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है, एक वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। वीज़ा एक्सपायर अगर 16 सितंबर को हो गया तो आपका कोई चांस नहीं है, आप नहीं जा सकते, दोबारा से वीज़ा लेके आपको जाना पड़ेगा। हाँ, 16 सितंबर से पहले आप ट्राई कीजिए ना, एयर बबल आप बोल रहे हो चालू है 16 को फ्लाइट सितंबर, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो, फिर आपका जाना चाहिए आपको। अगर सेम डे भी आप पहुँच जाते हो तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा वहाँ जाने के बाद। इंडिया में एक्सपायर हो गया तो कोई चांस नहीं है, दोबारा वीज़ा लेके जाना होगा, वो कंपनी आपको बुलाए नहीं बुलाए वो कंपनी पे मर्जी पे डिपेंड करेगा। चंद्रपंथी बोलते हैं दुबई विजिट वीज़ा में जा सकते हैं क्या सर, क्या करना पड़ता है, कोविड टेस्ट कराना पड़ता है क्या, क्या रूल है बताएंगे। भाई दोनों सवाल के जवाब आपने पूछे, दोनों के आपने आंसर भी दे दिए। क्या विजिट वीज़ा में जा सकते हैं इसका मतलब आपको पता है, विजिट में जा सकते हैं। क्या कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है इसका मतलब आपको पता है कि हाँ बिल्कुल कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है। आजकल तो आप कोई भी कंट्री में चले जाओ सभी में ये लागू कर दिया गया है ये रूल, कोविड टेस्ट आपको रिपोर्ट 100% आपके पास होनी चाहिए 96 आवर्स पहले। शेस्ता परवीन बोलते हैं कुवैत में अभी भी लॉकडाउन है क्या सर, कुवैत की फ्लाइट कब तक ऑन हो रही है। बिल्कुल कुवैत में अभी भी 50% लॉकडाउन चल रहा है और कुवैत ने 32 कंट्रीज पे बैन लगा के रखा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी साथ में है। इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ है कि सरकार फ्लाइट कब चालू करने वाली है, इसमें टाइम भी लग सकता है, अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जी हाँ, तो फ्लाइट ऑन होने का कोई अभी तक रिपोर्ट है नहीं, जैसे ही आती है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अर्जुन कुमार जी पूछते हैं सर मेरा नाम राकेश कुमार है, आईडी इसमें अर्जुन कुमार है, मेरा नाम राकेश कुमार है, हो सकता है आईडी दूसरे नाम से बनाई होगी, यूपी अलीगढ़ से हूँ, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, ड्राइविंग की कंपनी की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का रहन सहन खान पान कैसा है, जैसे मुस्लिम देश है तो वहाँ इंडियन को कोई तकलीफ तो दिक्कत तो नहीं होती है, मैंने सुना है भाषा कैसी है, हिंदी भी बोलते हैं लोग वहाँ पे, अगर जैसे अब लॉकडाउन है तो वहाँ फंस जाते हैं, बीच की डेट निकल जाती है वीज़ा की, तो हम आ सकते हैं क्या इंडिया की, नहीं सर आपकी जानकारी अच्छी लगती है। बिल्कुल आपका उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन साबित अच्छा हो सकता है जो नए हैं, जो फर्स्ट बार दुबई जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, आपकी थिंकिंग सही है। बता दूं दुबई द बेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड ऑफ बेस्ट कंट्री में मानता हूं दुबई को, इंडिया की बहुत पॉपुलेशन 30-35 लाख के करीब लोग इंडिया के लोग रहते हैं, शांत वातावरण है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई गुंडागर्दी कोई बदमाशी नहीं है, किसी को धर्म जाति भेदभाव कोई कुछ नहीं है दुबई में, आराम से वहाँ पर आपको 90% लोग हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे, 10% लोग जो अलग होते हैं या तो अरबी मान लो या फिर अदर कंट्री के जो हिंदी उनको नहीं आती, बाकी हिंदी में है, शुद्ध खान पान है, जो घरेलू खाना है वही वहां पे मिल जाता है। आप अगर जाना चाहते हैं तो दुबई बिल्कुल जा सकते हैं, मेरी तरफ से 200% आपको सजेशन रहेगा। संदीप त्यागी बोलते हैं सर इंडिया टू बहरीन फ्लाइट कब स्टार्ट होगी, मेरा न्यू वीज़ा है 6 मंथ का टाइम है उसमें। भाई देखिए बहरीन, इंडिया टू बहरीन फ्लाइटें चालू हैं एयर बबल्स में, वंदे भारत मिशन 6 के तहत फ्लाइटें चल रही हैं, आपकी हिम्मत है तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लो, टिकट लो और जा सकते हो, घर बैठे से तो कुछ होगा नहीं। और फ्लाइटों का अभी मुझे नहीं लगता, इंडिया में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो रेगुलर फ्लाइटें चालू होगी, एयर बबल्स है उसके अकॉर्डिंग फ्लाइटें चलती रहेंगी। मोहम्मद इलियास बोलते हैं वकील साहब कुछ गुड मॉर्निंग सर, आपने बताते हैं कि एयर इंडिया रिफंड नहीं दे रहा है, हम क्या करें, हम कैसी जद्दा से बात कर रहा हूँ, जद्दा से के से जद्दा, ओके सऊदी जद्दा से, आप अच्छी बात है। देखिए एयर इंडिया फ्लाइट को रिफंड देना पड़ेगा, इसी 23 सितंबर की फिर सुप्रीम कोर्ट की डेट है और उसमें फाइनल हो जाएगा सर ये टिकटें कब से पैसा रिफंड करेंगी, 100% रिफंड देना होगा। जब भी आपको रिफंड, एक बंदे का क्वेश्चन आया था 20% मिला, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं अपने वकील के माध्यम से, क्योंकि पूरा 100% वापस मिलना चाहिए। जी हाँ, तो 23 सितंबर को लास्ट फाइनल इसका डिसीजन आएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। गुलजार आलम बोलते हैं सर एक जानकारी दो हमको, कोरोना को लेकर दुबई में विजिट वीज़ा पे लोग अभी दुबई में फंसे, फेंस कब से चालू होगी। भाई क्या पूछ लेते हो आप, समझ में नहीं आया। कोरोना को लेकर भैया कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपको करवानी होती है, फ्लाइटें चालू हैं, बस मैं इतना ही आपके क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अमित कुमार प्रभात बोलते हैं सर 5,000 AD का फाइन है क्या करें। भाई 5,000 दुबई दराम का फाइन लगा है आपकी गलती की वजह से, किसी दूसरे को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, चाहे आपने फेस मास्क का है, यही है शायद फेस मास्क का, लगा होगा आपको 5,000 दुबई दराम एक बार बीच में किया गया था, और लापरवाही की सज़ा भुगतनी पड़ेगी 100%, ये जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आप 1-2 साल बाद आते हो तब हो सकता है सरकार उस टाइम कोई छूट दे रही हो कि भाई 50% आप डिस्काउंट के साथ जुर्माना जमा कराएं तो आप जमा करवा दीजिए, बाकी कोई अल्टरनेट नहीं है।
मंजेश कुशवाहा बोलते हैं, सर दुबई से आए हुए 7 मंथ हो गए हैं, क्या दुबई जा सकते हैं क्या? वीज़ा हमारा 2022 तक है, रिप्लाई दीजिए भाई। ऐसा कौन सा वीज़ा आ गया, 7 मंथ हो गए आए हुए, 2022 तक कितने साल का वीज़ा है यार ये? 7 महीने हो गए, 2 साल 3 साल का वीज़ा लगता है मुझे शायद आपका। हाँ बिल्कुल, आप कभी भी जा सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है। दुबई तो भाई नॉट वैलिड वीज़ा वाले भी जा रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी जा सकते हैं आप। दुबई का तो खुले हैं एकदम, नो टेंशन वाली बात है। तो बस साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें इतने आंसर मैं दे पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यू देख सकते हैं। इसी के बाद में एक दूसरा वीडियो और मैं अपलोड करूंगा, उसमें भी इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।